अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिले। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 जो 26 अगस्त से स्टार्ट होगी, जिसका कंफर्म फुल शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। CPL 2021 में टोटल 6 टीमें शामिल होंगी, जिनके दरमियान 33 मैचेस खेले जाएंगे। आज की इस खास रोड CPL 2021 के फुल शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो CPL 2021 के फुल एंड फाइनल शेड्यूल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। CPL 2021 में टोटल 6 टीमें शामिल होंगी, जिनके दरमियान 33 मैचेस खेले जाएंगे। CPL 2021 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 15 सितंबर को खत्म होगी। तो वहीं CPL 2021 का फुल शेड्यूल देखते हो। CPL 2021 का पहला मैच गयाना अमेज़न वॉरियर ट्रम्बैको नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 26 अगस्त को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का दूसरा मैच बारबाडोस रॉयल्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 27 अगस्त को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का तीसरा मैच जमैका डायरेक्टर्स और सेंट लुसिया किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 27 अगस्त को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का चौथा मैच ट्रम्बैको नाइट राइडर्स और बारबाडोस रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 28 अगस्त को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का पांचवा मैच गयाना अमेज़न वॉरियर्स सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 28 अगस्त को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का छठा मैच जमैका डायरेक्टर्स और बारबाडोस रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 28 अगस्त को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का सातवां मैच सेंट लुसिया किंग्स और ट्रम्बैको नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 29 अगस्त को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का आठवां मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 29 अगस्त को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का नौवां मैच ट्रम्बैको नाइट राइडर्स और सेंट लुसिया किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 31 अगस्त को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का दसवां मैच बारबाडोस रॉयल्स और जमैका डायरेक्टर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 1 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 11वां मैच ट्रम्बैको नाइट राइडर्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 1 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 12वां मैच जमैका डायरेक्टर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 2 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 13वां मैच सेंट लुसिया किंग्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 2 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 14वां मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और बारबाडोस रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 3 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 15वां मैच सेंट लुसिया किंग्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 4 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 16वां मैच गयाना अमेज़न वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 4 सितंबर को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 17वां मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और लुसिया किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 5 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 18वां मैच ट्रम्बैको नाइट राइडर्स और जमैका डायरेक्टर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 5 सितंबर को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 19वां मैच जमैका डायरेक्टर्स और ट्रम्बैको नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 7 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 20वां मैच बारबाडोस रॉयल्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 8 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 21वां मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और जमैका डायरेक्टर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 8 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 22वां मैच गयाना अमेज़न वॉरियर्स और सेंट लुसिया किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 9 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 23वां मैच बारबाडोस रॉयल्स और ट्रम्बैको नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 9 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 24वां मैच सेंट लुसिया किंग्स और जमैका डायरेक्टर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 10 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 25वां मैच सेंट लुसिया किंग्स और बारबाडोस रॉयल्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 11 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 26वां मैच जमैका डायरेक्टर्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 11 सितंबर को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 27वां मैच ट्रम्बैको नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 12 सितंबर को सुबह 4 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 28वां मैच बारबाडोस रॉयल्स और सेंट लुसिया किंग्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 12 सितंबर को शाम 7 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 29वां मैच अमेज़न वॉरियर्स और जमैका डायरेक्टर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच 12 सितंबर को रात 11:30 बजे सेंट किट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। CPL 2021 का 30वां मैच सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और ट्रम्बैको नाइट राइडर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।
ये मैं 13 सितंबर को सुबह सनक्रिस्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीपीएल 2021 के 31वें में सीपीएल 2021 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। ये पहला सेमीफाइनल मैच 14 सितंबर को शाम 7 बजे सनक्रिस्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीपीएल 2021 के 32वें में सीपीएल 2021 का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। ये दूसरा सेमीफाइनल मैच 15 सितंबर को सुबह 4 बजे सनक्रिस्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीपीएल 2021 के 33वें में सीपीएल 2021 का फाइनल खेला जाएगा। ये फाइनल 15 सितंबर को शाम 7 बजे सनक्रिस्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये होगा सीपीएल 2021 का फुल एंड फाइनल शेड्यूल। तो ये सीपीएल 2021 कौन सी टीम जीतेगी अपनी रहेगा कमेंट में जरूर करें। और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।